2019 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं पर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला और इस आम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव में जोरदार बहुमत मिलने के बाद 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पेश किया। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ने का प्रस्ताव दिया गया और लोकसभा में ये बिल पास हो गया। 25 फरवरी की रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए। हमले के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, क्योंकि 4 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में भारतीय जवानों के काफिले को निशाना बनाया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।